हाँ बच्चों, तो आप उस दिन बताए, मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी जाती है, वस्तु को कभी फोकस पर, कभी वक्रता केंद्र पर, कभी अलग अलग स्थानों पर रखी जाती है, तो उसका चित्र अलग अलग बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है। तो उसकी छह स्थितियां हैं। आप छह स्थितियों में किस प्रकार से चित्र बनता है ये बताए। अब इसके पहले सबसे मुख्य बात ये है कि देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली किरणों का रास्ता निश्चित है कि उस वस्तु से जाने वाली अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ काटेगी आकर के, या कहाँ कहाँ से होकर के जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो कहाँ किस रास्ते से जाएगी। हाँ, अगर अन्य रास्ते से भी जाए तब भी वो उसी स्थान पर काटेगी आकर के। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह से जा रही है तो दूसरी जगह काट रही है, दूसरी जगह से जा रही है दूसरी जगह काटे। अगर दूसरी जगह काट देगी तो एक वस्तु के अलग 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 प्रतिबिंब नहीं बन जाए। इसलिए इसमें ऐसा होता है कि जहां काट रही है तो चाहे हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचे, चाहे हम फोकस से होकर जाए, चाहे वक्रता केंद्र से होकर जाए, उनके सबके रास्ते फिक्स है। और अगर अन्य रास्तों से भी आती है तब भी वो जहां पर ये काटेंगी वहीं पर वो काटेंगी। लेकिन प्राय किताबों में या सब जगह आप देखेंगे कि दो ही तीन रास्ते हैं। नंबर एक तो वो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाएगी जो फोकस से होकर के जाएगी, और एक वक्रता केंद्र से खींची जाती है जो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से लौट जाती है। और वो जहाँ दोनों काटेंगी वही अन्य जगह से भी जाने वाली उन्हीं स्थानों पर काटेंगी, दूसरी जगह पर नहीं काटेंगी। तो दो ही लाइनें आपकी प्रायः खींची जाती है, ठीक है। तो जहाँ ये दोनों काटेंगी वही अन्य जो भी होंगी वो भी काटेंगी। ऐसा नहीं कि कह दो कि यदि आपने तो यही खींचा होगा, दूसरी जगह ऐसी तिरछी आ जाएगी या टेढ़ी आ जाएगी तो कहाँ काटेंगी। ऐसा नहीं, जहाँ ये काट रही है वही वो भी काटेंगी। तो नंबर एक बात है, सबसे पहले जब वस्तु फोकस हुआ ध्रुव के बीच में, जब फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव भी है और ये फोकस है या और ये वक्रता केंद्र है मान लीजिए। अब वस्तु कहाँ पर है? ध्रुव और फोकस के बीच में आप है, ठीक। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ये, ठीक है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अब जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये जो गई थी ये वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र वाली है तो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वो लौट जाएगी, ठीक है। ये अपने रास्ते से मुड़ती नहीं है, सी से होकर जाने वाली। तो अब ये इधर जाएगी तो आप देख रहे हैं कि ये इधर जा रही है, तो ये क्या कर रही है? ये तो फैल रही है, ये क्या हो रही है? आगे की तरफ को बढ़ती चली। अब इस तरफ तो पालिश है तो ये क्या होगा? ये इस तरफ से डाट डाट ये बना दिया जाएगा कि ये ऐसा लगेगा कि हमें ये इस तरफ पीछे कहीं आ रही है। तो ये हमें आभास हो रहा है, क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। तो ये चित्र कैसा बन रहा है? इसका आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। अब क्या लिख देंगे? अगर वस्तु कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे, कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति और किरण आरेख हो गया। अगर कहा जाए किरण आरेख खींचो, यदि वस्तु यहां पर रहती है, नंबर दूसरा हो गया। जब वस्तु फोकस पर होती है, कहां पर हो गई? फोकस पर मान। तो ये हमारी अवतल दर्पण, ये ध्रुव है, ये फोकस किया और ये अवतल। अब फोकस पर वस्तु, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, आपको बताया गया फोकस से जाएगी, ठीक है। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, जिस रास्ते से आई थी गई थी उसी रास्ते से वो लौट। तो ये यहां कहीं जाते, ये दोनों किरणें कहां पर काटेंगी? इस वस्तु का ये चित्र बन गया। तो क्या हो गया? ये वास्तविक, ये आती हुई प्रतीत हो रही थी, ये काट वास्तव में नहीं गई थी, ये असली में दोनों किरणें काट रही हैं, तो इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और दर्पण की ओर, कहां पर बनेगा? दर्पण की ओर बनेगा। और कहां पर? अनंत। कहां पर बनेगा? अनंत। अनंत पर का मतलब कि यहां से इसकी दूरी की अपेक्षा ये दूरी बहुत अधिक होगी। अब अनंत का मतलब ये नहीं कि कहीं ऐसी जगह चला जाए जिसको हम देख ना पाए, लेकिन इसकी तुलना में या इस दूरी की तुलना में ये बहुत ज्यादा होगी। और फोकस और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? संयुग्मी फोकस होते हैं। संयुग्मी फोकस का मतलब, अगर वस्तु फोकस पर रखी तो चित्र अनंत पर बनता है, और अगर वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो चित्र फोकस पर बनने लगेगा। अगर वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति बदल दी जाए, वस्तु की स्थिति बदल दी जाए, तो प्रतिबिंब जहां पर पहले वस्तु थी वहां पर बनने लगता है। तो इस घटना को या इस तरह की घटना या ऐसे बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। तो अगर वस्तु फोकस पर होगी तो चित्र अनंत पर बनेगा, और अगर चित्र अनंत पर वस्तु अनंत पर होगी तो चित्र फोकस पर बनेगा। इसमें बहुत बड़ा बनता, उसमें बहुत छोटा। तो दूसरी शर्त हो गई कि जब वस्तु फोकस पर होगी तो वास्तविक उल्टा भी ध्यान रखना है, कि चूंकि इसमें इस तरफ पालिश है तो अगर इस तरफ चित्र बनेगा तो पालिश को तो पार करके किरण जा नहीं पाएगी, तो अगर इस तरफ कहीं काटेंगी तो आई नहीं, क्या होगा? आती हुई इधर से प्रतीत हो सकती है, तो इसलिए आभासी बन जाएगा। और इसी तरफ आकर के काटेंगे तो जब चूंकि वास्तव में काट रहे हैं इसलिए वास्तविक चित्र बने गा। तो अगर इस तरफ बन रहा है तो वास्तविक होगा, और अगर दर्पण के इस तरफ बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। लेकिन ये दर्पण में ही केवल होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरफ पालिश है, तो पार करके तो जाएगी नहीं। तो अगर इस तरफ बन रहा है तो आभासी होगा, और इस तरफ बन रहा है तो वास्तविक होगा। दूसरी बात, जब मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो वक्रता केंद्र वाले से जानी होगी या जो जाएगी वो उसी रास्ते से लौट जाएगी, दूसरी जगह से कहीं नहीं जाए। हम यहां से इस वस्तु से ऐसी भी बनाए तो भी वो जो जाएगी
मान लीजिए सपोज करिए इससे चलने वाली ऐसी किरण आए तो वो यहां से ऐसा लौटेगी कि काटेगी यही आकर के, ऐसा नहीं कि ये दोनों जहां काट रही है और अन्य जो लाइनें हम खींच दें वो कहीं अन्य जगह काटेंगे, ऐसा नहीं होगा। जहां ये काटेंगी वहीं पर वो भी काटती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। हाँ, लेकिन चूंकि बहुत लाइनें खींच दी जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए दो ही लाइनें आपने देखा होगा प्राय। अब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तीसरी शर्त हो गई। जब वस्तु फोकस हुआ वक्रता केंद्र के बीच, कहां पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस हो गया, ये वक्रता। अब इसके और हम वस्तु को प्राय क्रमशः पीछे हटाते जा रहे हैं। आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, हमने बताया फोकस से होकर के जाएगी, और ये ध्यान रखिए कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जिस रास्ते से जाती थी उसी रास्ते से लौट जाएगी। ये इधर दूरी प्राय बढ़ती चली जा रही, इधर कम होती चली जा रही है, तो ये यहाँ ये काट रही है, उसका चित्र बन गया। दूसरी चीज, हम इसको चाहे तो ये लाइन खींच ले, ये गई और ये इसी रास्ते से, और अगर हम यहाँ से इसको ऐसा भी खींचा होगा कहीं तो भी ये जो काटेगी वो इसी जगह आकर के काटेगी जहां पर लिखा है, ऐसा भी बना होगा कि ये कौन और ये कौन बराबर हो, तो चाहे ये काटे चाहे ये काटे चित्र इसी जगह बनेगा। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो कहां पर बनेगा चित्र, वास्तविक। देखो इस तरफ बन रहा है तो वास्तविक है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, छोटा बड़ा कैसे जान पाएंगे, इसमें तो भाई हाथ से बनाएंगे, कोई नाप तो है नहीं। लेकिन अगर वस्तु की दूरी ध्रुव से कम है और चित्र की दूरी ज्यादा है, तो जब चित्र की दूरी उससे ज्यादा है ध्रुव से सारी दुनिया नापी जाती है, तो अगर चित्र की दूरी ज्यादा है तो चित्र बड़ा होगा, और वस्तु की दूरी से चित्र की दूरी कम है, अगर ये वस्तु यहाँ है चित्र इस तरफ बन रहा है कम दूरी पर इससे, इसलिए छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है, यानी बहुत दूर नहीं बनेगा सीधे। जैसे ही हम वस्तु को पीछे करते जाते हैं तो चित्र इस तरफ को खिसकता चला आता है। अब ये रहेगा दर्पण की ओर, पीछे नहीं है दर्पण से। चौथी कंडीशन है आपकी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी पर हो गई तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर के जाएगी। अब वक्रता केंद्र से जाती थी तो वो तो क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, चाहे आप ये जितना कोण जाएगी उतने कोण से ये क्या होगी ऐसे चली आएगी, और ये इसी के सामने या वस्तु जहाँ पर रखी है उसी पर प्रतिबिंब उल्टा बनने लगेगा। तो देखिए वस्तु की दूरी ध्रुव से और चित्र की दूरी ध्रुव से दोनों बराबर हैं,
इसलिए जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा चित्र आपका बन जाएगा। इस तरफ बन रहा है इसलिए वास्तव में काट रही किरणें, इसलिए वास्तविक बनेगा और वस्तु से दर्पण की ओर ही बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर हैं। तो क्या हो गया, वास्तविक उल्टा और कहां पर बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर, ना बड़ा होगा ना छोटा। अब आपकी पांचवी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होगी कितनी हो गया, तीन या हो गया, ये सी हो गया, सी से भी बीच हो गया, तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर के जाएगी और जो वक्रता केंद्र से होकर के, तो चाहे इधर बनाते, अब अगर हमारा दर्पण तो ये ऐसे हम बना देते हैं तो अगर ये किरण जाएगी तो इसी रास्ते से लौट आएगी, तो ये यहाँ पर काट रही है, जब काट रही है तो क्या हो गया, अब ये इसका केंद्र है। और अब देखिए वस्तु की दूरी ज्यादा है, चित्र की दूरी कम है, तो इसका मतलब चित्र की दूरी कम है तो चित्र छोटा हो गया, इसी तरफ काट रहे इसलिए वास्तविक होगा उल्टा है और वस्तु से छोटा है और बल कहा रहा वक्रता केंद्र और फोकस के। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा फोकस व वक्रता के केंद्र के बीच। ये देखिए सी और एफ के बीच में बनेगा। अब इसके बाद है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, छठी कंडीशन है जब